समय दृष्टि शहर का सबसे पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम, घड़ी, मोबाइल, चश्मे, पर्स, बेल्ट और मोबाइल की रिपेयरिंग उचित दाम पर, पता है म्युनिसिपल स्कूल के बाजू से। चांदी के जेवरात की तस्करी के 3 दिन पुराने घटनाक्रम में सागर शहर के कुछ पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। एसपी तरुण नायक के आदेश पर खुरई एसडीओपी सुमित गिरकेटा ने इसकी सूक्ष्म जांच शुरू कर दी है, तो वहीं ये मामला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक भी पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं, 1-2 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। सर, सागर में 2 TIO है और 5 आरक्षकों ने साक्ष्य चांदी के तस्कर से ऐसा विषय ध्यान में आया है, उसमें एसपी ने जांच के आदेश कर दिए। मैं समझता हूँ आज या कल तक जांच पूरी हो जाएगी। बता दें कि इस मामले के सोशल मीडिया पर चर्चाओं में आने के बाद एसपी तरुण नायक ने खुद इसे संज्ञान में लिया, तो वहीं एसपी ने तथाकथित एसपी स्क्वाड को भी भंग कर संबंधित पुलिस थानों के लिए पुलिस कर्मियों को चलता कर दिया है। इस मामले में कोई शिकायतकर्ता ना होने से पूरी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन एसडीओपी शक के घेरे में आए पुलिस कर्मियों के मोबाइल की लोकेशन, सीडीआर और मालथोन चेक पोस्ट के फुटेज की जांच कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये घटनाक्रम मालथोन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है, जहां बीते 3 दिन पहले शहर से कुछ पुलिसकर्मी अचानक पहुंच गए। इनमें 2 थानों के थाना प्रभारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। बहरहाल इन्होंने 1 4-पहिया वाहन को रोका और उसकी चेकिंग की। सूत्रों की माने तो ये वाहन दिल्ली आगरा की तरफ से आ रहा था, जिसमें सागर के तथा कथित सराफा व्यवसायी सवार थे। चेक करने पर इनके पास से 2.5 क्विंटल से ज्यादा चांदी के जेवरात मिले थे। पुलिस ने तत्काल इन व्यापारी कम तस्करों पर दबाव बनाया, उनसे एक मोटी रकम ऐंठ ली और उन्हें मय चांदी के चलता कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस कर्मियों के शामिल होने के शक पर एसपी ने गंभीरता से लिया और इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इस तरह का एक प्रकरण स्वतः संज्ञान में लेके श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं और उप प्रकरण की जांच की जा रही है, क्योंकि कोराई इसमें जांच कर रहे हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर अगले निर्णय दिया जाएगा। अभी ये चीज़ें चूँकि संज्ञान में नहीं है, क्योंकि अब ये जो प्रकरण है स्वतः संज्ञान में लिया गया है, तो इसमें कोई अभी फरियादी सामने नहीं आया है और जांच की जा रही है। जांच के बाद इसमें जांचकर्ता सभी चीज़ों को अपनी जांच में ले रहे हैं। इसमें ये फुटेज संग्रहण इत्यादि भी शामिल है, तो इसमें जो अग्रिम निष्कर्ष होगा उसके बाद से कार्रवाई होगी। समय दृष्टि सागर शहर का सबसे पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की ब्रांडेड घड़ियाँ, चश्मे, मोबाइल, पर्स, बेल्ट और सभी प्रकार की एसेसरीज और सभी प्रकार की घड़ियाँ और मोबाइल की रिपेयरिंग उचित दाम पर। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है म्युनिसिपल स्कूल के बाजू से, 3 बत्ती सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9131345288 9424788000।